माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस के हम लोग तीन मैट्रिक्स का जिक्र करते हैं। पहला नंबर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा नंबर है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और तीसरा नंबर है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इस पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का यूज़ करके। ठीक है, चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस, इसके अंदर में हम लोग तीन मैट्रिक्स का बात करते हैं। पहला नंबर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड नंबर है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और थर्ड नंबर है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला नंबर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें मैं ज़ूम कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन मैट्रिक्स, देन इट इज सेड टू बी सिमेट्रिक ओनली इफ, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज करते हैं और वो फिर से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम ए आई जे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का और ये ए जे आई भी आपका सिमिलर आ जाता है ना, देन उस केस में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स होगा ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ए इज इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स का, ठीक है, आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालिएगा पहला रो है ए एच जी तो पहला कॉलम ए एच जी बन जाएगा, फिर एच बी एफ सेकेंड कॉलम बन जाएगा, जी एफ सी थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब अगर हम इसका कंपेरिजन करें ए के साथ तो पहला कॉलम ए एच जी, पहला रो ए एच जी, दूसरा रो एच बी एफ सेम है, तीसरा रो है जी एफ सी ये भी सेम है, मतलब ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आ गया, ए के इक्विवेलेंट आ गया। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ए को हम लोग कहेंगे ए एक मेरा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक का, ठीक है, तो इसमें दो केसेस हैं। पहला केस हम देख रहे हैं फॉर एनी मैट्रिक्स ए ए ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड नंबर है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय टू ये भी आपका ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ये आपका इसमें ए नंबर केस हो गया। बी नंबर है इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन अगर ए और बी सिमेट्रिक होगा तभी ये अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, देन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, अगर ए बी सिमेट्रिक है तो उसका एडिशन भी सिमेट्रिक होगा और उसका सब्ट्रैक्शन भी आपका सिमेट्रिक होगा। ए बी एंड बी ए ये आपका सिमेट्रिक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं ए बी एंड बी ए मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक। तो ये प्रॉपर्टीज है किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सेकेंड नंबर है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट
ए इज इक्वल्स टू ए आई जे अगर एम क्रॉस एन बी एनी मैट्रिक्स दिया हुआ है देन देन इट इज सेड टू बी देन इट इज सेड टू बी एस्क्यू सिमेट्रिक ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर माइनस ए के इक्विवेलेंट आ जाता है तो उसको एस्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। कहने का मतलब अगर ए आई जे का वैल्यू आपका माइनस ए जे आई आ जाएगा तो वो आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए इज इक्वल्स टू बात करें, ठीक है, देखिए ये मैट्रिक्स ले लिए हम और इसमें कुछ ऐसा ले लिए हम, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ये डायगोनल एलिमेंट होगा ये ऑलवेज जीरो होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होगा ये ऑलवेज जीरो के इक्विवेलेंट होगा। डायगोनल का जो ऊपर का एलिमेंट होगा वो एडिटिव इन्वर्स होगा नीचे के एलिमेंट के, या जो नीचे का एलिमेंट होगा वो एडिटिव इन्वर्स होगा ऊपर के एलिमेंट के। कहने का ये मतलब हुआ कि डायगोनल के अगर नीचे एच है तो ऊपर क्या होगा, माइनस एच हो जाएगा। अगर डायगोनल के नीचे माइनस जी है तो ऊपर प्लस जी हो जाएगा, और अगर डायगोनल के नीचे एफ है तो यहाँ पे माइनस एफ हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और आप ध्यान में रखिएगा, फॉर एनी मैट्रिक्स और एनी मैट्रिक्स ए ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन टू इज ऑलवेज अ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला कि डायगोनल में सारा एलिमेंट जीरो होगा, दूसरा कि डायगोनल का नीचे का एलिमेंट या ऊपर का एलिमेंट एडिटिव इन्वर्स होगा एक दूसरे का, तीसरा कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज का माइनस करें और टू से डिवाइड करें तो वो ऑलवेज एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका आएगा। थर्ड नंबर है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज इसका वैल्यू अगर आई के इक्वल आ जाता है, यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या उसके ट्रांसपोज में उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें अगर उसका वैल्यू आई के इक्वल हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हम लिखे हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, क्लियर, दोनों तरफ आप डिटर्मिनांट ले लीजिए, है ना। आई का डिटर्मिनांट कितना होगा, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट ऑलवेज वन होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा। अब अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले या उसके ट्रांसपोज का निकाले तो इसका भी वैल्यू आपस में इक्विवेलेंट होता है, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू वन। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हम यूज़ किए हैं कि अगर ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा, मतलब ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का ए का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू वन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस वन। कहने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलवेज प्लस माइनस वन के इक्विवेलेंट होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली इसके बेस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जाते जाते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।